हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज आपके लिए गाड़ी लेके आए हैं जी, मिनी इनोवा, जिसका नाम है टोयोटा रूमियोन। तो जिसकी बुकिंग अभी बंद हो चुकी है, कंपनी ने एक बार हॉल्ट लगा दिया इसकी बुकिंग के ऊपर, क्योंकि ये वेरिएंट हम लेके आए हैं, एस सीएनजी वेरिएंट है ये। तो सीएनजी वेरिएंट की बुकिंग इतनी ज़्यादा हो गई है, डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कंपनी ने इसकी बुकिंग स्टॉप कर दी है एक बार। तो अभी तक ये मारुति से अर्टिगा जो आती थी वो भी अभी तक उनसे पूरी नहीं हो सकी है, कस्टमर्स को नहीं डिलीवर कर सके, तो इनके भी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब बात करने वाले हैं इसके बेस वेरिएंट की। सो ये एस वेरिएंट से शुरू होती है, बेस वेरिएंट है इसका, और ये इसका जो टॉप वेरियंट है वो है वी ऑटोमेटिक। तो ये बेस वेरियंट में एस सी एन जी के साथ आती है। तो अब बात करेंगे इसके प्राइस की। तो इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो शुरू होता है 10,29,000 से, और ये जाती है 13,68,000 तक। तो इसका जो सी एन जी वेरियंट का प्राइस है वो है 11,24,000। तो आप फ्रंट से देख सकते हैं इसकी जो लुक है, बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली ही दे रखी है। तो इसमें फोग लैंप्स जो हैं जो नहीं दिए हैं कंपनी ने, अदरवाइज जो इसकी ग्रिल है, जो बोल्ड सी ग्रिल इन्होंने चेंज करी है, जो सुजुकी में आती थी वो थोड़ी सी अलग ग्रिल थी, बट इन्होंने जो ग्रिल लगाई है बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। तो ये जो ग्रिल मिलती है ये ग्लॉसी ब्लैक में मिलेगी पूरी आपको, और जो इसका लोगो है ये इन्होंने चेंज कर दिया, क्रोम नहीं है, ये सेटिन ग्रे कलर में मिलेगा। और ये ग्लॉसी ब्लैक जो ग्रिल है बहुत ही अच्छी शाइन भी दे रही है, और ऊपर और नीचे यहाँ पे आपको क्रोम एलिमेंट्स भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और अगर हेडलाइट्स की बात करें तो लो बीम के लिए आपको मिलेगा एलईडी प्रोजेक्टर हेड लैम्प, और हाई बीम के लिए आपको मिलने वाला है हेलोजन बल्ब। तो यहाँ पर हेडलाइट्स पैनल में भी आपको क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे, टर्न इंडिकेटर भी मिलेगा हेलोजन बल्ब में। और अगर नीचे बात करें तो फोग लैंप इसमें कंपनी नहीं देती है, ये आपको आफ्टर मार्केट या कंपनी से एक्सेसरी में लगवा सकते हैं आप। तो ये सारा एरिया मिलेगा आपको मैट ब्लैक में, और नीचे जो एयर इनटेक के लिए ग्रिल मिलती है वो आपको कुछ इस तरह में मिलेगी, मैट ब्लैक में रहेगी ये। नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर भी आपको इसके जो बॉर्डर्स हैं वो मिलेंगे क्रोम में, तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो अगर इसकी की बात करें तो की इसकी कुछ इस तरह से मिलती है आपको, कीलेस एंट्री या स्मार्ट की इसमें नहीं मिलती है, तो बिल्कुल मारुति की तरह इन्होंने की बना दी है, टोयोटा का लोगो लग गया है इस पे, जो नेशनल की है इंडिया की। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसका इंजन। तो इंजन की बात करें तो इसमें आपको इंजन ऑप्शंस मिल जाती हैं, ये इंजन पेट्रोल में भी मिल जाती है ऑप्शन आपको, और सीएनजी में मिल जाती है। तो अब अगर आप इस गाड़ी को पेट्रोल में रन करेंगे तो आपको पावर मिलेगी 101 bhp की, और टॉर्क मिलेगा 136 Nm का। तो अगर आप इसको सीएनजी पे यूज़ करेंगे गाड़ी को तो टॉर्क और पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, पावर मिलती है 86 bhp की, और जो टॉर्क मिलता है वो मिलता है 121 Nm का। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि सीएनजी पे हर बार पावर थोड़ी सी कम ही मिलती है, ऊपर इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर मिल जाएगी। इंजन इसका 1.5 लीटर पेट्रोल और सीएनजी में मिलेगा, 4 सिलेंडर गाड़ी है ये। तो अगर बात करें इसकी माइलेज की, जो मेन बात सीएनजी में आती है वो माइलेज की आती है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा गाड़ी देख रहा है, पेट्रोल या सीएनजी या डीजल भी देखता है, तो वो सबसे पहले माइलेज को एक कंसर्न पॉइंट लेके चलता है। तो माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको माइलेज मिलेगी 20.5 किलोमीटर पर लीटर की, अगर इसको आप सीएनजी पे यूज़ करने वाले हैं तो आपको 26 और 27 किलोमीटर पर किलो एवरेज मिलेगी आपको, वो काफ़ी अच्छी एवरेज आपको सीएनजी पे मिल जाएगी। तो अब आ जाते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे, यहाँ से आप देख सकते हैं मिनी इनोवा को। वैसे तो मेरे को लगता है कि ये जो गाड़ी है ये सुजुकी ने पहले निकाली थी, काफ़ी साल से रन कर रही है सुजुकी इसको, बट ये पहले ही टोयोटा को निकालनी चाहिए थी, क्योंकि टोयोटा की 7 सीटर गाड़ियाँ बहुत सारी बिकती भी हैं, और इनोवा तो सबसे पहले टोयोटा लेके आई थी। तो ये भी गाड़ी मेरे को इनोवा की जैसी ही लगती है शुरू से, तो ये टोयोटा को पहले ही लानी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, अब लेके आए हैं तो बहुत ज़्यादा डिमांड इनकी क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस गाड़ी की लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी देती है ये लुक, और काफ़ी अच्छी रोड प्रेजेंस भी है इस गाड़ी की। तो यहाँ पर इसकी अगर रियर डोर की बात करेंगे तो ये काफ़ी, इसकी आप देख सकते हैं रियर डोर की लेंथ काफ़ी अच्छी है, किसी गाड़ी में इतनी लेंथ नहीं आती है। अगर क्रिस्टा की बात करें तो तभी इतनी लेंथ आपको रियर डोर की नहीं मिलती है। तो अब दिखा देते हैं आपको इसका टायर प्रोफाइल। सो टायर प्रोफाइल इनकी क्रिस्टा में भी छोटा ही आता है, तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा टायर आपको बड़ा नहीं मिलने वाला, 135/65R और 15 इंच के यहाँ पर स्टील रिम के साथ ये टायर मिलने वाला है। व्हील कैप्स आपको मिल जाएंगे इसमें, क्लैडिंग वगैरह इसमें नहीं मिलती है। तो अगर आप इसके अपर वेरिएंट में जाओगे, टॉप वेरिएंट में जाओगे, अलॉय व्हील्स लोगे, तो आपको 16 इंच के
अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, बट इसको ये जो स्टील रिम है ये आपको 15 इंच में ही मिलेगा। तो यहाँ पे जो ORVM है वो बॉडी कलर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा, ये LED में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए पिलर आपको मिलेगा बॉडी कलर, बी पिलर टेप आउट में मिलने वाला है, और जो क्वार्टर पैनल है उस पर यहाँ पे आपको टेप आउट, यहाँ पे मैट ब्लैक सरफेस मिलेगा, और यहाँ पे आपको ग्लास मिलेगा क्वार्टर पैनल पे पूरा। तो अब आ जाते हैं इसकी रियर प्रोफाइल पे। तो रियर प्रोफाइल से जब आप गाड़ी देखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छी फील आने वाली है। ये बहुत ही अच्छी फैमिली कार है और बहुत ही अच्छे बजट में आपको मिल जाती है, एक 7 सीटर गाड़ी। तो यहाँ पे अगर आप टेल लाइट्स वगैरह देखेंगे तो ये बिल्कुल चेंज नहीं की गई है, मारुति की तरह ही इन्होंने इसमें भी टेल लाइट्स वगैरह सारा पैनल सेम रखा गया है। तो बैक प्रोफाइल पे आप देखेंगे स्पॉइलर यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा। स्टॉप लैंप है जो यहाँ पे प्लेस किया गया है, ये मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लगा इनका, क्योंकि इसको अगर नीचे दे देते, यहाँ दे देते या अंदर की तरफ दे देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो रियर डिफोकर्स वगैरह यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं आपको, वाइपर यहाँ पे बेस वेरियंट में नहीं मिलेगा, और नीचे जो सेटिन ग्रे में आपको ये लोगो मिलने वाला है टोयोटा का। तो ये गाड़ी थोड़ी सी और लाइबल हो जाती है जब इस पर टोयोटा का लोगो लग जाता है। तो यहाँ पे एस वेरिएंट की बैजिंग मिलने वाली है, और नीचे आपको मिलेंगे पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स नीचे की तरफ प्लेस किए गए हैं। तो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको बम्पर पे मिलने वाले हैं। तो जो इसकी स्किड प्लेट है वो भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेगी, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने ये ब्लैक वगैरह नहीं की है। तो अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक की, तो पेट्रोल में आपको जो फ्यूल कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी 45 लीटर्स की, और जो इसकी CNG की कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी 60 लीटर्स की। तो 60 लीटर्स का मतलब ये नहीं कि 60 लीटर गैस आ जाएगी, गैस जो है वो किलो में कंसिडर की जाती है। तो किलो केजीज में आपको जो कैपेसिटी मिलेगी वो मिलेगी 8 to 10 किलोग्राम्स की। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, मैं दिखाता हूँ आपको इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर इसका आपको मिलने वाला है जी सिंगल टोन में मिलेगा, या आप ड्यूअल टोन तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो डैशबोर्ड होता है वो ज़्यादातर मतलब ब्राउन या ब्लैक कलर का ही होता है। तो यहाँ पे आप बेज कलर ही देखेंगे इसमें, ज़्यादा हल्के हल्के इसमें एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ये ग्रे कलर के मिलेंगे आपको, या ग्रे या अलग सा कलर है, थोड़ा सा अलग लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पर फिर भी तो डार्क इन्होंने एलिमेंट थोड़े थोड़े हर जगह पे दे दिए हैं। तो अदरवाइज सारा इंटीरियर आपको मिलेगा बेज कलर में, सीट्स भी बेज कलर में मिलेंगी, रूफ भी बेज कलर में मिलेगा, और सब कुछ आपको बेज कलर में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, बस ये वाली जगह है कि अच्छा कलर दिया है इनको, ब्लैक नहीं किया, शुक्र है इन्होंने। तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा डोर ओपनर क्रोम में मिल जाएगा, ग्लास अप डाउन के कंट्रोल्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे बेस वेरिएंट में आप इसको ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलेंगे, बेस वेरिएंट में भी आप इसको फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे बोतल होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज मिल जाएगी, स्पीकर यहाँ पे प्लेस किया गया, 4 स्पीकर इस गाड़ी में आपको मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं इसके अंदर, ड्राइवर सीट की बात करें तो आपको इसमें हाइट एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो सिर्फ आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं सीट को। तो अब आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर। तो इंटीरियर जो यह हार्ड प्लास्टिक में आपको डैशबोर्ड मिलेगा, ये आपको डार्क ग्रे कलर में ही मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील भी जो इसका मिलने वाला है ये लेदर रैप नहीं मिलता है बेस वेरियंट में, तो ये भी आपको डार्क ग्रे कलर में डैशबोर्ड वाले कलर का ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील डी कट में मिल रहा है, सेम मारुति के जैसा इन्होंने बनाया है, बट यहाँ पे लोगो है जो टोयोटा का लग चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया के कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, यहाँ पर टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे सिल्वर क्रोम एलिमेंट्स भी थोड़े थोड़े मिल जाएंगे, बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलता। तो एसी वेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा, एयर फ्लो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसका, यहाँ पे पेट्रोल और CNG का स्विच बटन मिल जाएगा, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन मिल जाएगा, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा। तो अगर बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो आपको मिलने वाला है एनालॉग में, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से रहने वाला है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लाइट वगैरह वाइट दी है, मतलब काफ़ी अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका लग रहा है। तो यहाँ पे जो इसकी टच स्क्रीन वगैरह तो इसमें नहीं आती है, बट इन डैश म्यूजिक सिस्टम बेस वेरियंट में आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ कंपेटिबिलिटी के साथ। तो यहाँ पे इसकी डिस्प्ले मिल जाती है, आपको टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलती है, बट फिर भी बेस वेरियंट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैनुअल इसमें मिलेगा, AC कंट्रोल मिलेंगे आपको मैनुअल में, ऑटोमेटिक इसमें नहीं आता है, वैसे सभी गाड़ियों में टोयोटा और मारुति ने कर दिया है बेस वेरिएंट से ही जो है
आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बट यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है। तो हज़ार लाइट का बटन मिल जाएगा, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी और ऑक्स के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टू कप होल्डर्स मिल रहे हैं विद एयर, मतलब कूल्ड एयर के साथ मिल रहे हैं शराबी दोस्तों के लिए। फिर टोयोटा ने बहुत ध्यान रखा है, बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे। ऊपर यहाँ पे ऑटो डिमर वगैरह नहीं मिलता, मैनुअल में आपको मिलेगा ये मिरर। तो यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जाएगी, वैनिटी मिरर मिलने वाला है पैसेंजर साइड, और ड्राइवर साइड आपको मिलेगा टिकट होल्डर। तो गियर नॉब कुछ इस तरह से रहने वाली है इसकी, पावर ब्रेक कुछ इस तरह से रहने वाली है, आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं मिलता है। सीट्स जो है फैब्रिक में मिलेंगी आपको, बट काफ़ी अच्छा फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किया गया, टेक्सचर वगैरह भी काफ़ी अच्छी लुक दे रहा है। तो यहाँ पे जो वेंट्स मिलते हैं ये आउटर मिलता है, मतलब पीछे की तरफ आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, ये उनकी बैक साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम इसकी रियर सीट्स पे, तो रियर डोर मैं दिखाता हूँ आपको इसकी, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है रियर सीट्स में एंटर करने के लिए। आप देख सकते हैं कितनी ही वाइड ओपन होती है ये गाड़ी, ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा हार्ड प्लास्टिक मिलने वाला है, बेज कलर में मिलेगा, यहाँ पे कोई डार्क एलिमेंट भी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आपको मिलेगा डोर ओपनर क्रोम में मिलेगा, ये ग्लास अप डाउन का कंट्रोल मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा एक स्पीकर। तो अब मैं बैठ जाता हूँ इसमें, तो यहाँ पे जो पीछे की सीट्स हैं इनोवा में इन्होंने देते थे ये कैप्टन सीट्स, तो इसमें ये कैप्टन सीट वाला फीचर अभी तक नहीं दिया है इन्होंने। तो ये सीट्स आपको नॉर्मली मिलने वाली हैं, आर्म रेस्ट आपको मिलेगा बेस वेरिएंट के अंदर। आप देख सकते हैं इसमें आर्म रेस्ट मिल जाएगा बेस वेरिएंट के अंदर ही आपको, बट यहाँ पे कप होल्डर वगैरह अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेंगे, बट ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो बेस वेरिएंट में इन्होंने आर्म रेस्ट दे दिया। बाकी स्पेस वगैरह आप देख सकते हैं, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, हेड रूम तो काफ़ी अच्छा है, इनोवा की फील ही आती है इसमें बैठकर, क्योंकि आगे भी मैं पहले दो तीन बार इसमें बैठा हूँ, मतलब जो अर्टिगा थी तो मेरे को बहुत अच्छी फील आती थी। ऊपर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, ये भी आपको एयर फ्लो के साथ मिल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ से आप एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे कैबिन लाइट भी मिल जाएगी, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है फ्रंट का भी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा 12 वोल्ट का सॉकेट। रियर सीट आपको मैं दिखा देता हूँ इसकी, जो लास्ट रो है कुछ इस तरह से रहने वाली है, तो वो भी यहाँ पर खोल के देखने वाले हैं। तो हेड रेस्ट मैं बताना भूल गया, आपको दो ही मिलेंगे पीछे की तरफ, तो उससे पीछे भी आपको दो ही हेड रेस्ट मिलने वाले हैं। और सीट को पीछे खोल के फोल्ड करके देखते हैं अब, तो यहाँ से ये सीट फोल्ड होने वाली है और बड़े ही आराम से आप इसको फोल्ड करके आगे कर सकते हैं, तो बड़े आराम से आप इसमें बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ, पीछे का हेड रेस्ट मैंने पीछे कर लिया, तो पीछे की सीट पर मैं बैठ गया हूँ। तो इसको अगर आप रिक्लाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे सेंटर वाली रो को किया था, यहाँ से रिक्लाइन बड़े ही आराम से ये रिक्लाइन हो जाती है, तो बड़े ही आराम से मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो या इसको भी पीछे करके देख लेते हैं कि लेग रूम वगैरह कितना बचता है, तो इसको मैं पीछे कर लेता हूँ इस सीट को भी। तो अगर आप इसको इस तरह से रखेंगे तो ये लेग रूम काफ़ी अच्छा रह जाता है, अगर थोड़ी सी और पीछे भी करना चाहते हैं, इसको रिक्लाइन भी करना चाहते हैं, तो फिर भी मैं कम्फर्टेबली बैठ सकता हूँ। ऊपर आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से बैठा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मेरी हाइट 6 फीट है। पीछे यहाँ पे आपको एक कप होल्डर भी मिलने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिलेगा आपको एक कप होल्डर। तो बाकी अगर बात करें तो आराम से आप 7 बंदे तो नहीं कह सकते हम, हाँ 5 से 6 बंदे आराम से इसमें ट्रेवल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। बट अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम जहाँ पर आती है वो इसमें आती है लगेज की, तो अगर ज़्यादा बंदे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो लगेज में आपको प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी सी। आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूं मैं, अगर बात करें इसकी बूट की, तो अगर आप 4-5 पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इस सीट को बंद कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, तो आपका बूट स्पेस बढ़ जाएगा। तो अभी आपको यहाँ पर बूट स्पेस अगर बात करें, अगर सारी सीट रो आपने बैठा ली है, सबको बैठा लिया अंदर, तो आपको सारी मतलब जिस वो इसका बूट स्पेस है वो कम हो जाएगा। तो वैसे इसका जो बूट स्पेस मिलता है वो 209 लीटर्स का मिलता है, बट यहाँ पे आ जाता है सीएनजी का टैंक, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा बूट स्पेस कम हो जाता है। बट अगर आपने ट्रैवल करना है 4-5 पर्सन तो आपके लिए बेस्ट कार है। अगर आपने लगेज कम लेके जाना है तो आपने ट्रैवल करना है 6-7 पर्सन भी कर सकते हैं, अगर बच्चे हैं आपके साथ, तो बहुत अच्छी कार है ये।
तो इतने लो बजट में आपको एक मिनी इनोवा मिल रही है, तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है मैं बता चुका हूँ, 11,94,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा मेरे को, क्योंकि सीएनजी भी मिल रही है इसमें, सारे फीचर्स भी आप नीड के हिसाब से है बाकी, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं जिसका बजट 12 लाख के अराउंड है। तो और भी ऐसी वीडियोस के लिए, और अगर इसकी टॉप वेरिएंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।